एनसीपी का एक बयान आया है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी शिवसेना सरकार बनाती है तो हम विपक्ष में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए, अगर वे सरकार नहीं बनाते हैं तो कांग्रेस एनसीपी एक वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश करेगी। हमने राज्य में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए 12 नवंबर को अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है, यानी कि एनसीपी का ये बयान। राष्ट्र में सरकार बने हम लोग चाहते हैं, शिवसेना बीजेपी बनाती है तो निश्चित रूप से विपक्ष में बैठेंगे, नहीं तो पर्याय सरकार महाराष्ट्र के हित में बनाना जरूरी है। राष्ट्रपति शासन योग्य नहीं, पुनः महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई पर्याय सरकार बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी बात करके हम प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन ना लगे, चुनाव फिर जनता पे ना थोपे जाए, इसके लिए पर्याय सरकार के बारे में विचार हो सकता है। 12 तारीख के दिन विधायकों की बैठक बुलाई गई है, राजनीतिक परिस्थिति पे चर्चा होगी और उसके बाद पार्टी कोई निर्णय ले सकती है, लेकिन पवार साहब ने ये स्पष्ट किया है कि सेना बीजेपी साथ में सरकार बनाए और हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं।